ख्याल आपको कहाँ से आया कि सब्जाजार जैसे एरिया में आपने DHA, मैं कहता हूँ सिंगापुर में भी ऐसे रेस्टोरेंट शायद आपको कमो बेश नजर आए। इनडोर, आउटडोर, गेमिंग, बच्चों के लिए एरिया, बड़ों के लिए एरिया, कवाली नाइट, तो ये आइडिया कब और कैसे आपको आया? एक्चुअली मेरा ई स्पोर्ट्स का काम है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का, तो मुझे इंटरनेट से ज्यादा लगा हुआ है, सर्चिंग से ज्यादा है। तो मैंने देखा है, दुनिया का सर्वे किया है, तो उस चीज को देखते हुए मैंने एक यूनिक चीज यहाँ बनाई है कि यहाँ पे एक तो ट्रैफिक का रश नहीं है, आराम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन है और नेचुरल एनवायरनमेंट दिया है। ओपन एयर में जब यहाँ बैठते हैं तो आपकी फीलिंग बिल्कुल हट से होती है कि आपको यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा आपका इंशाल्लाह। और जब हमने इंटीरियर दिया है, हमारी जो लाइटिंग है, प्लांट्स है, वो बिल्कुल हट के है, और रेस्टोरेंट की वो टिपिकल हमारी थीम है ही नहीं। हमने यहाँ गेम्स रखी हैं, कवाली नाइट्स है, बार है। आप स्पेशली हमारी बार को देखेंगे आपको फील ही नहीं करेंगे आप पाकिस्तान में हैं, ऐसा लगेगा जैसे आप दुबई में खड़े हुए हैं। प्राइसेस तो बहुत थोड़ी रखी है हमने जी, इलाके को देखते हुए हमने सब्जार में बनाया है, तो इस लोकेलिटी को देखते हुए हमने जो इन्वायरमेंट, जो क्वालिटी दी है गुलबैग और DHA वाली दी है, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर दी है, लेकिन प्राइसेस हमारी हमारे इलाके के मुताबिक हैं। और स्पेशली आपने आके इन्वायरमेंट यहाँ पे देखा है कि हमने ऐसी सिटिंग की है कि लोग स्पेशली यहाँ से गुलबैग DHA जाया करते थे, अब वहाँ के लोग इंशाल्लाह यहाँ पे आया करेंगे। बहुत खुशी हुई यार इस रेस्टोरेंट में आके कि ये जो इन्होंने मेयार रखा है ये कम से कम हमें गुलबर्ग एरिया में मिलता है, और लाहौर का जो पोश एरिया में जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ये मेयार उन्हीं रेस्टोरेंट्स में हमें देखने को मिला है। और इसकी सबसे जो अहम और ख़ास बात है वो ये कि ये खाना पीना तो एक तरफ है, यहाँ पर इन्होंने गेमिंग सिस्टम बच्चों के लिए अलहदा, फैमिली के बैठने के लिए अलहदा, और सिंगिंग कवाली नाइट्स के हवाले से भी इन्होंने एहतमाम किया हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ है। कितने अरसे से ये प्लान बन रहा था और उस पर कितना वक्त लगा ये सब कुछ बनाने में? ये हमने बहुत जल्दी बनाया, इतने ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हमने तकरीबन ये कुछ 7 से 8 महीने में तैयार कर लिया था। मार्च में हमारी ओपनिंग थी, वो कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गई, तो हमारी तैयारी तो तब से थी, लेकिन हमने एक अच्छा काम ये किया कि हमने अपने स्टाफ को फ्री नहीं छोड़ा, कि जो लोग हमने हायर कर लिए थे उनको हमने कंटिन्यू किया, उनके घरों को चलाया हमने। अब गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो हमने SOPs के साथ इंशाल्लाह, आज थोड़ी बदनज़मी है लेकिन कल से इंशाल्लाह हम सख्ती से अमल करेंगे जो भी गवर्नमेंट SOPs दिए हैं इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। 4th फ्लोर है, रूफ टॉप है यहाँ पे, और जो इसका खाना है यकीन वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। जितने भी लाहौरिये हैं इस इलाके के रहने वाले, ख़ासतौर पे जो सब्जाजार उसके गिरदनवा में, उनके लिए बहुत एक अच्छा एक रेस्टोरेंट साबित होगा।
एटमॉस्फेयर के लिहाज से, खाने के लिहाज से और ख़ास तौर पर रूफ टॉप के होने की वजह से जो इसकी लोकेशन है वो बहुत आइडियल है। आप सब लोग यहाँ पे आइएगा, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये आइडिया आपका अपना प्योर था या आपने किसी से शेयर किया था? नहीं, मेरा अपना आइडिया था, प्योर अपना आइडिया था। ये रेस्टोरेंट का, इस थीम का, इंटीरियर का, डेकोरेशन का, जो कुछ भी नजर आ रहा है प्योरली इसका अपना ही आइडिया है। प्राइसेस के हवाले से बताया कि प्राइसेस हाई होंगी, लो होंगी या आम आदमी अफोर्ड कर सकेगा? हमारी प्राइसेस लो हैं, बिल्कुल आम आदमी के लिए हैं। अगर आप गुलबर्ग और DHC से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 40-30% हमारी प्राइस डाउन है। आमतौर पर ऐसे बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है जायका नहीं होता, बस आपको सर्व किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये है कि जायका नहीं होता, तो आपके शेफ के हवाले से क्या सिचुएशन है? हमारे पास जो पाकिस्तानी शेफ हैं वो उनका कोई सानी नहीं है, आरिफ साहब हैं, उनका स्पेशली कुन्ना कढ़ाई तो वो बेस्ट है। बाकी सारी कुछ आप कढ़ाई खाएं, आप चाइनीज, पाकिस्तानी, बारबेक्यू, थाई, फास्ट फूड, सब बेस्ट है। आपकी स्पेशल डिशेज यहाँ पे क्या होंगी? और स्पेशली पाकिस्तानी की सारी जो डिशेज हैं सारी स्पेशल हैं, आप कोई भी ट्राई करें इंशाल्लाह बेस्ट होगी।